गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप। और आज आप लोगों ने मुझे एक मैंने लैंग्वेज का वीडियो बनाया था, जर्मन लैंग्वेज का, उसमें आपने मुझे कमेंट किया। तो मैंने सोचा कि जॉब के लिए कौन सी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कौन से लेवल की रिक्वायरमेंट होती है, उसके ऊपर आपको वीडियो बनाया जाए। तो ये वीडियो उसी के ऊपर होगा। उसके अलावा मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगी जर्मन लैंग्वेज के बारे में। तो वीडियो पूरा देखना ताकि आप लोगों के बहुत सारे जो डाउट्स हैं, जो आप लोगों को हैं, वो क्लियर हो सके। सबसे पहले मैं जर्मन लैंग्वेज के बारे में कुछ बता देती हूँ। मैंने वीडियोज़ में बहुत बार देखा है कि लोग बोलते हैं जर्मनी लैंग्वेज, बट नहीं, इट्स अ जर्मन लैंग्वेज या डॉयच बोलते हैं यहाँ पर। ये जर्मन लैंग्वेज, जैसे हम इंडियन बोलते हैं ना, तो ऐसा जर्मनी नहीं बोलते, जर्मन बोलते हैं। तो सबसे पहली बात ये, एंड दूसरी बात, जर्मन लैंग्वेज जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज होती है। ये थर्ड डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। तो अगर आपने स्टार्ट कर दिया है सीखना, आप थोड़ा बहुत भी बोलते हो, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, बिकॉज जर्मन लैंग्वेज एक्चुअली में बहुत टफ है। मैंने B2 लेवल लैंग्वेज का किया हुआ है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी इसके बारे में कि ये जो लेवल होता है वो क्या होता है। अगर आपने B1 लेवल नहीं देखा तो ऊपर वीडियो फ्लैश हो रहा होगा, वो देखो, और उसके बाद ये B2 लेवल देखो। जर्मन लैंग्वेज, अब B2 पे जाने से पहले मैं आपको ये फैक्ट्स बता देती हूँ। जर्मन लैंग्वेज जो है वो सिर्फ जर्मनी में नहीं बोली जाती, उसके अलावा भी बोली जाती है, जैसे स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी में तो बोली ही जाती है, इसके बाद लुक्सम्बर्ग, बेल्जियम में बोली जाती है, और कुछ साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पोलैंड में बोली जाती है। 9 नेबर्स हैं इनके, तो जो भी बॉर्डर वाले एरियाज हैं उसमें जर्मनी है, बट अदर देन दैट जो ऑफिशियल स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी, एंड इसके अलावा नामीबिया, जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, यहाँ पर जर्मन बोली जाती है। तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ कि सिर्फ एक ही कंट्री में नहीं बोलते, और भी जगह पर बोलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ B2 लेवल क्या होता है, और एक्चुअली इसका क्या फ़ायदा होता है अगर आप जर्मनी में जॉब ढूंढ रहे हो या आने वाले हो। बेसिकली जो B2 लेवल होता है वो उन लोगों के लिए होता है जिनकी जो जॉब्स होती हैं वो जर्मन लैंग्वेज में होती है। बेसिकली B2 जो होता है वो एडवांस लेवल होता है। जैसे हम लोग से लोग पूछते हैं ना, यार आप कौन से लेवल पे हो, इंग्लिश में या हिंदी में, तो वैसे ही पूछते हैं। तो एक तो होता है बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल। तो जो B2 होता है वो होता है एडवांस लेवल। बेसिकली B2 में आपको प्रिपेयर कराया जाता है कि आप का जो वर्क स्पेस है या जहाँ पर आप काम करने जा रहे हो, वहाँ पर आप जर्मन लैंग्वेज बोल सको, और वो भी जो वर्ड्स हैं, जो वोकैब है, वो जो भी वर्क में वर्क रिलेटेड वोकैब है वो यूज़ कर सको। तो जो लोग की जॉब्स जो हैं वो बेसिकली जर्मन में हैं, तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि B2 लेवल जो है वो आना ज़रूरी है, बिकॉज आपकी वोकैब, ग्रामर और बाकी सारी चीज़ें, इंटरव्यू प्रोसेस प्लस रिज्यूम राइटिंग, वो सारी चीज़ें इसमें कवर करी जाती है। इसके अलावा अगर कोई नए इमिग्रेंट हैं जो दे हैव जस्ट स्टार्टेड एजुकेशन या कुछ, तो उन लोगों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें, गाइडलाइंस होती हैं, लाइक ट्रेनिंग अगर उन्हें किसी चीज़ में करनी है, या उनको अपना जो प्रोफेशनल कैरियर है किसी डायरेक्शन में लेके जाना है, तो वो सारी चीज़ें इसमें कवर करते हैं। बेसिकली हर एक चैप्टर में आपको उस हद तक पहुँचाया जाता है जहाँ पर आप काम करो, और काम में आप वैसे वोकैब यूज़ करो या वो वाली वोकैबलरी यूज़ करो जो काम के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने ये वाला लेवल किया है इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, और ट्रस्ट मी, ये करने के बाद आप जॉब में एटलीस्ट बात कर सकते हो लोगों से एंड पूरा समझ सकते हो, क्योंकि जो काम करने वाला एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर बहुत टफ वर्ड्स यूज़ होते हैं, बहुत टफ वोकैब यूज़ होती है, और अगर आपकी बेसिक लेवल की लैंग्वेज है तो वो काम नहीं आती। इसलिए आपने जितने भी जॉब प्रोफाइल है उसमें B2 लेवल देखा होगा।
अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ इसके बारे में. जैसे मुझसे कुछ लोगों ने नर्सिंग के बारे में पूछा था कि नर्सिंग में कौन सी लेवल की रिक्वायरमेंट होती है, तो नर्सिंग जो एरिया होता है उसकी अलग से वोकैब होती है, लाइक टेक्निकल वर्ड्स होते हैं. तो B2 टेक्निकल वर्ड्स ऑफ नर्सिंग, लाइक B2 नर्सिंग का भी एक कोर्स होता है. ऐसे अलग अलग ट्रेनिंग के अलग अलग कोर्स होते हैं, तो आपको जिसमें भी जाना है आप वो देख सकते हो और आप वो ही कर सकते हो, रेदर देन अपना टाइम वेस्ट करना दूसरी चीज़ों में, और आप वो कर सकते हो. तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी. मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जर्मन लैंग्वेज जो है उसके ग्रामर रूल्स जो हैं वो बहुत टफ हैं, तो प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ होता है. बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, क्योंकि मैं जब बोल पा रही हूँ, मैंने जब कर लिया है, तो आई थिंक सब ही कर सकते हैं. तो ऑफकोर्स अभी तक मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, पर मैंने एग्ज़ाम दे दिया है. तो मैं अब आपको एग्ज़ाम के बारे में बताती हूँ कि एग्ज़ाम में क्या होता है. तो एग्ज़ाम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर प्रोसेस बेस्ड होता है, स्ट्रक्चर होता है. अगेन वही सारी चीज़ें होती हैं कि आपकी हियरिंग एबिलिटी चेक करते हैं, आपकी राइटिंग एबिलिटी चेक करते हैं, आपकी रीडिंग एबिलिटी चेक करते हैं, और आपकी स्पीकिंग एबिलिटी चेक करते हैं. सबसे पहले जो इनिशियल 2.5 आवर्स होते हैं, उसमें आपकी हियरिंग, रीडिंग एंड राइटिंग टेस्ट होता है. एंड फिर थोड़ा सा ब्रेक मिलता है लंच ब्रेक का, एंड देन उसके बाद आपका स्पीकिंग टेस्ट होता है. स्पीकिंग टेस्ट में आपको 20 मिनट्स का टाइम दिया जाता है प्रिपेयर करने के लिए, एंड देन फिर वो वहाँ पर जो भी टेस्ट के लिए लोग आते हैं उनके सामने बोलना पड़ता है. तो ये है एग्जामिनेशन की चीज़. अब अगर आप B2 का एग्ज़ाम दे रहे हो और अगर आप B1 की वर्ड्स यूज़ कर रहे हो या लिख रहे हो, तो आपके पास सर्टिफिकेट जो है वो B1 का आएगा, ना कि B2 का आएगा. तो अगेन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर है बेस्ड ऑन कि आपने B2 लेवल का ग्रामर यूज़ किया है, वो कैब यूज़ करी है, स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से, लाइक जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो अच्छे से बनाया है या नहीं, इसी के बेसिस पर आता है आपका सर्टिफिकेट. एंड आई डोंट नो, आई एम होपिंग कि मुझे B2 मिल जाए, मेरे पास सर्टिफिकेट आ जाए. बट द अचीवमेंट इज़ कि हाँ, मैंने B2 की एटलीस्ट क्लासेस कर ली है और एग्ज़ाम दे दिया है, एंड मैं अब आपको वो शेयर कर रही हूँ. अगर आप कुछ स्पेसिफिक जानना चाहते हो लैंग्वेज से रिलेटेड, जर्मन लैंग्वेज से रिलेटेड, तो मुझे ज़रूर लिखना. इस वीडियो का मोटिव बस इतना ही था कि अगर आप जॉब करने आ रहे हो या आपकी ऐसी कोई प्रोफाइल है जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जर्मन सीखना, तो आपको B2 करना पड़ेगा. B2 करने में अगर आप बहुत ही सिंसियरली करो तो 1.5 ईयर्स लगते हैं. यहाँ आने के बाद करने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोर्स ढूंढने पड़ते हैं, फिर लोग भी नहीं मिलते आपको बात करने के लिए. बट अगर आप इंडिया में ही करते हो तो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा. कुछ सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे गोथे इंस्टीट्यूट, और भी बहुत सारे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी, वहाँ से आप लोगों को करना चाहिए. बेसिकली जो लोग नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं या नर्सिंग में जाने वाले हैं, वो उसी लेवल का करो. आई थिंक आपको उसकी भी गाइडलाइंस मैंने पहले दी हुई है. एंड अगर और कोई ट्रेनिंग के लिए आ रहे हो तो उसके हिसाब से करो. तो टेक्निकल जो वोकैबुलरी है या टेक्निकल जो वर्ड्स हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है. उसके लिए एक स्पेसिफिक चीज़ होती है, जैसे मेडिकल है, मेडिकल के लिए अलग होती है. तो इट्स जस्ट एन एग्जांपल, बट सबके लिए अलग अलग होती है बेस्ड ऑन आप कौन सी प्रोफाइल पे हो, क्या जॉब कर रहे हो या क्या ट्रेनिंग करने वाले हो. एंड बहुत सारे ऐसे भी ट्रेनिंग्स होती हैं जिसके लिए सिर्फ आपको B1 की ज़रूरत पड़ती है, तो दैट्स ऑल्सो गुड न्यूज़. जैसे पेंटिंग वाला जो पेंट वगैरह करते हैं, उसके लिए सिर्फ B1 की ज़रूरत पड़ती है. तो बहुत सारे ऐसे भी जॉब्स हैं. तो आपका जो भी जॉब है उससे रिलेटेड आप कर सकते हो. एंड होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि ये वीडियो बहुत टाइम से पेंडिंग था. बट मैं चाहती थी कि मैं पहले एग्ज़ाम दे दूँ, उसके बाद मैं ये वीडियो बनाऊँ. और आपके जो भी जॉब से रिलेटेड डाउट्स हैं कि यार किस लेवल की हम सीखें, वो क्लैरिफाई कर सकूँ और कुछ फैक्ट्स बता सकूँ जर्मन लैंग्वेज के बारे में, जो शायद हम लोगों को नहीं पता होता जब हम यहाँ पर आते हैं. मैंने तो ये भी सुना है कि बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो संस्कृत से ओरिजिनेटेड हैं हमारी, तो कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी है, प्लस इंग्लिश वाली वोकैब है, बहुत सारी चीज़ें सिमिलैरिटी है. बट स्टिल इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, बहुत ही ज़्यादा टफ लैंग्वेज है. बट अगेन
इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत सभी लोग कर लेते हैं अगर एक बार स्टार्ट कर दे तो. एंड अगर आप कर रहे हो तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. एंड अभी भी अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करो, मैं आपका कमेंट पढ़ के या तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी या आपके कमेंट सेक्शन में ही आप लोगों को रिप्लाई करूंगी. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में. बाय बाय गाइज. और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना. बाय बाय.